हम इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब मैंने उसमें तुम लोगों को बताया था कि जैव प्रक्रम यानी जैविक क्रियाएं, और जैविक क्रिया में हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, चयापचय की क्रिया इत्यादि। तो उसी में हम अब श्वसन क्रिया के बारे में समझेंगे। श्वसन क्रिया हम सभी को पता है कि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे उसका अंदर वो O2 हमारे शरीर के अंदर जाती है और उसके बाद CO2 बाहर आती है। लेकिन अंदर ऐसा क्या होता है कि O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, और इस दौरान O2 का उपयोग क्या हमारे शरीर में होता है, वो सब हमें यहाँ पर समझना है। श्वसन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका विघटन कर उसका शरीर में उपयोग करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, अतः ये ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण के द्वारा सरलतापूर्वक कर सकते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। तो यहाँ पर ये हुआ श्वसन की क्रिया। अब हम आते हैं उत्सर्जन क्रिया पर। उत्सर्जन अर्थात क्या, यानी हम जो भी खाते पीते हैं उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनका हमारे शरीर में उपयोग होता है, और बाकी का जो कचरा होता है हम उसे शरीर के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी तो अब उस चीज़ को हम यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार से कह सकते हैं कि शरीर में मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या अपशिष्ट उपोत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अब हम आते हैं स्वपोषी व विषमपोषी जीव। अब स्वपोषी और विषमपोषी जीव अर्थात क्या, यानी स्वपोषी जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और विषमपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव में समावेश हरी वनस्पतियों का होता है, क्योंकि हरी वनस्पतियां अपना भोजन खुद बनाती हैं क्लोरोप्लास्ट की मदद से, और विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए हरी वनस्पतियों पर या प्राणियों पर, जानवरों पर आधारित होते हैं, तो उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, जिसमें मानव, जू और अमर बेल इत्यादि का समावेश होता है। अब हम इससे एक स्टेप आगे जाकर हम पोषण के बारे में समझते हैं। पोषण अर्थात क्या, पोषण देखो जैसे कि हम लोग इतनी सारी क्रियाएं करते हैं, खेलना है, कूदना है, घूमने जाना है, पढ़ना है, जो भी इतनी सारी जो क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चों ऊर्जा हमें हम जो भी खाना खाते हैं उससे मिलती है। अब खाने में ऐसा क्या होता है, तो खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी इत्यादि जो तत्व होते हैं उसके द्वारा उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी हम जो भी खाते हैं उनमें से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी जो भी मिलता है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, और उन पोषक तत्वों का हम अपने शरीर में उपयोग करते हैं। तो उन पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग होने की जो क्रिया है पूरी, उसे पोषण कहते हैं। यानी सादी भाषा में कहेंगे कि हम जो भी खाते हैं और उसमें से जो पोषक तत्व मिलते हैं उन पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग होता है और उस क्रिया को पोषण कहते हैं। और इसे अब थोड़ा साइंटिफिक भाषा में इस प्रकार से बोला जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ या जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जो सजीव के विभिन्न जैविक व शारीरिक क्रियाओं में सहायक होते हैं उन्हें वह पोषण कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है पोषण में, तो उसके भी दो प्रकार हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, हमने जैसे स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव के बारे में समझा, उसी से थोड़ा ये मिलता जुलता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं, और यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी में से अपनी सारी क्रियाएं करते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण पर आते हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव आहार या भोजन के लिए पादपों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं
उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण में मैंने जैसे इससे पहले आपको बताया था कि मनुष्य का है, जू है, लीच है, किलनी है, पिता कृमि है इत्यादि का समावेश होता है। विषम पोषी पोषण फफून, ईस्ट, मशरूम इत्यादि ये सब विषम पोषी पोषण में आते हैं। यानी सीधी भाषा में यूँ कहेंगे कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वह स्वपोषी पोषण में आता है, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं चाहे वो हरी वनस्पतियाँ हो या प्राणी हो उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अमीबा। अमीबा, अमीबा में पाचन, ये एक अच्छा टॉपिक है। अमीबा में पाचन, पाचन अमीबा एक सभी को पता है, इससे पहले के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कूटपाद पाए जाते हैं। अब कूटपाद यानी क्या? यानी कूटपाद का मतलब यह होता है कि वो अपनी मर्जी से अपना आकार बदल लेता है, अपनी मर्जी से अपना पैर बना लेता है। जैसे कि उसे कुछ भी कूटपाद पानी में हो, अमीबा पानी में होता है।